हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर प्रेजेंटिंग हियर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनेकार्थी शब्द। इन इंग्लिश में क्या होगा वो होमो नेम्स होगा। जैसे हिंदी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखूँ, जैसे यहाँ पर सजना, यदि ये वर्ड लिखता हूँ तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो टू बी डेकोरेट, सजना का मतलब डेकोरेट होना, और दूसरा हस्बैंड। तो दो वर्ड हैं। सेम इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फेयर वर्ड हुआ, तो फेयर का अलग अलग सिचुएशन में दो तीन अर्थ निकलते हैं। तो पहला जैसे FIR फेयर, फेयर मीन्स गोरा या मेला होता है, और फेयर मतलब अच्छा भी होता है। कभी कभी हम बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, या अच्छी बात नहीं है। तो फेयर सेम स्पेलिंग, फेयर गोरा और फेयर मेला। तो ये जो होते हैं इनके दो या दो से ज़्यादा अर्थ होते हैं, वो हमें कब समझ आएगा? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन में क्या अर्थ निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक वर्ड लिखा जैसे वॉच है, वॉच मीन्स होता है घड़ी, और वॉच मतलब देखना। तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा? घड़ी हो गया। दूसरा, आई शैल वॉच फिल्म, मैं क्या करूँगा? फिल्म देखूँगा। तो यहाँ पर वॉच का मतलब क्या हो गया? देखना हो गया। वॉच का मतलब देखना हो गया। नेक्स्ट वर्ड जैसे यहाँ पर है फेयर, तो फेयर मतलब मेरा मेला भी होता है, और फेयर मतलब गोरा भी होता है। तो यदि हम यहाँ पर बोलें आई एम फेयर, मैं फेयर हूँ, तो मैं मेला तो हूँ नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। क्या होगा आई एम फेयर का? मैं गोरा हूँ। और नेक्स्ट वर्ड होगा आई वॉज इन फेयर, मतलब मैं मेले में था। नेक्स्ट वर्ड जैसे है वेल, दोनों ये वेल और ये वेल, एक का मतलब होता है अच्छा और दूसरे का मतलब होता है कुआं। तो जैसे मैंने कहा शी इज वेल, वह वेल है, तो लड़की की बात करें तो ऐसा तो होगा नहीं कि वह कुआं है, बल्कि वह वेल है, मतलब वो ठीक ठाक है। और नेक्स्ट शी फेल इन टू द वेल, वह कुएं में गिर गई, ठीक है ना। तो निर्भर करता है सिचुएशन पे। जैसे मान लो नेक्स्ट वर्ड आपका हिंदी में क्या रहेगा? लोटा। अब इसका दो अर्थ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता ना। मुझे पानी पीना है इसलिए मुझे क्या चाहिए? लोटा। और मैंने कहा बच्चे को जब मैंने चॉकलेट नहीं दिया तो वह जमीन पे लोटा, तो वो लोटा का अलग अर्थ निकला ना, और ये लोटा का अलग अर्थ निकला। सेम जैसे फास्ट मतलब क्या होता है? तेज, और फास्ट मतलब उपवास होता है। तो फास्ट का जैसे मैंने कहा मैं तेज दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर तेज से मतलब है। और मैंने कहा आज भैया मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो यहाँ पर फास्ट का मतलब उपवास से हो गया। नेक्स्ट वर्ड राइट, यू आर राइट, आप सही हो, तो यहाँ पर सही वाला हो गया। और हमने कहा मैं बोलूँगा बिकॉज दिस इज माय राइट, मैं बोलूँगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है। और मैंने कहा राइट राइट साइड जा रहा था तो ये एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो लेफ्ट लेफ्ट जाना चाहिए ना। नेक्स्ट जैसे वॉच मतलब घड़ी, और वॉच मतलब देखना, वॉच मीन्स घड़ी और देखना। इसका एग्जाम्पल हो गया सिर, मैंने कहा दिस इज माई हेड, दिस इज माई हेड, तो ये मेरा सिर है कि मुखिया है? सिर है ना। और मैंने कहा माई ग्रैंड फादर इज हेड ऑफ माई फैमिली, मेरे ग्रैंड फादर मेरे फैमिली के हेड हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे बियर मीन्स भालू, जन्म देना, सब्जेक्ट कर्ता और विषय, और नेक्स्ट वेल। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा अर्थ देते हैं। तो ऐसे वर्ड की हमें एक लिस्ट बनानी है, हमें प्रिपेयर कर लेना है, और जब हम रीडिंग करें तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि इस सिचुएशन में इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। तो वॉच करें, लर्न करें। थैंक यू।